ड्रेस को और बेहतर कैसे बनाया जाए? हाँ, मैं समझ गई। हाँ? बड़ी निराशा हुई। राजकुमार चार्ल्स ने पूरी शाम उस लड़की के साथ बिताकर अच्छा नहीं किया, वो भी तब जब कोई उसे जानता तक नहीं, ये तक नहीं पता कि वो कौन है। मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है। सचमुच? तुमने उसे कब देखा जी? याद नहीं आ रहा है कैथरीन, पर मुझे पता है कि जल्द ही याद आ जाएगा। तुम्हारी याददाश्त तो वैसे ही बहुत कमजोर है। मेरे पास कोई सुराग तो है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो बदतमीज? तुम भी कम नहीं। मुझे कल की रात भूलनी होगी। धुले हुए कपड़े अंदर ले आओ। सिंड्रेला, सुना तुमने? जल्दी करो। कहाँ है वो? ओह, बहुत देर हो गई, सब कुछ भीग गया। दरवाजा बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। ये खोई खोई सी है। सुबह से किसी से बात तक नहीं की है। ये सुबह से उस जूते को घूर रहा है।
मैंने उससे पूछा कि अगर वो घुड़सवारी या तलवारबाजी करना चाहे, पर वो ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से उसे देर तक अकेले ही रहना चाहिए एलेक्स। न जाने एक लड़की के जूते में ऐसी क्या खास बात है, और वो भी तब जब लड़की ने उसे पहना ही नहीं है। एलेक्स, तुम प्यार के बारे में क्या जानो? कोई भी कह सकता है कि कल रात राजकुमार के होश उड़ गए थे। इस बात का मजाक मत उड़ाओ। रुकिए, मैं मजाक कर रहा था हैंस। मैंने देखा वो किस तरह उस लड़की को देख रहा था। उसे प्यार हो गया है। मुझे उसके लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, पर लगता है जैसे हमेशा से जानता हूँ। जाने तुम ये भी नहीं जानते कि ये लड़की कौन है। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम सब जानते हो। सबसे अच्छा तरीका होगा नियतों की जांच करना, तब हमें जरूर अंदाजा लग जाएगा। नहीं, हमने ऐसा करके देख लिया, दो बार देखा पर समझ में नहीं आया। एक ही सुराग रह गया है, ये कांच का जूता। क्या तुम्हें लगता है चार्ल्स को ये लड़की इतनी पसंद आई? जी महाराज, पर उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया और कोई उसे जानता भी नहीं है। फिर तो हमें उसे ढूंढने का कोई तरीका खोजना होगा। हाँ, इसमें कोई कसर मत छोड़ना। हाँ महाराज, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा। मुझे लगता है शायद चार्ल्स को इसी का इंतजार था। यकीन नहीं होगा, मेरी खबर है। क्या हुआ बेटियों? यहाँ बैठकर मुझे पूरी बात बताओ। मामा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। हम शहर में थे जब हमने ये भयानक खबर सुनी। क्या? वो कह रहे थे कि राजकुमार चार्ल्स को किसी से। रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। सब कह रहे हैं कि राजकुमार चार्ल्स को उस लड़की से प्यार हो गया है जिससे वो डांस वाले दिन बहुत चिपक रहे थे। ये नामुमकिन है, कोई उस लड़की को जानता तक नहीं। मगर राजकुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। वो 12 बजे भाग गई और अपना जूता छोड़ गई। वो जूता कांच का था। वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने वो जूते पहने थे, और राजकुमार को पता है हमारे पास ऐसे जूते नहीं है। चुप हो जाओ, यकीनन राजकुमार ने तुम्हारे जूते नहीं देखे होंगे। पर वो बिल्कुल नए थे मामा। मैं जानती हूँ, पर वो तुम्हारी ड्रेस के नीचे ही छुपे हुए थे, और किसी ने अगर उन्हें देखा भी होगा तो रोशनी में वो कांच जैसे ही लगे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यानी राजकुमार नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ डांस किया या नहीं। अब उनके आदमी आकर मुझे महल में ले जाएंगे। ख्वाब देखना बंद करो बहन, तुम जलती हो, वो मेरे लिए आएंगे। अब ठीक है, रोने से अच्छा है तुम लड़ती रहो। वो इनमें से किसी को भी ले जाए तो भी राजकुमारी की माँ तो मैं ही बनूंगी। आखिरकार मेरा सपना सच हो जाएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। सुना तुमने? बहुत बढ़िया खबर है सिंड्रेला, राजकुमार चार्ल्स पूरे राज्य में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनका काम कब करने के लिए तुम ही वहाँ जाओ। उसे बताओ कि कल रात उसने तुम्हारे साथ डांस किया था। जरूर वो तुमसे फिर से मिलना चाहता है। पर डांस में वो मैं नहीं थी, वो लड़की असली नहीं थी, वो सिर्फ एक सपना थी, सिर्फ उस रात के लिए बनी थी वो। ये सच नहीं है। ड्रेस चाहे जो भी हो, तुम हो। तुम कोई सपना नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम्हें चार्ल्स पसंद है, पर मैं उसकी दुनिया में शामिल नहीं हो सकती। वो शाही खानदान से है, मैं शायद उससे फिर कभी मिलूंगी भी नहीं। हमने एक खूबसूरत रात बिताई, बस और कुछ नहीं। हमारे आदमी कई दिनों से राज्य में तलाश कर रहे हैं, मगर उन्हें अब तक वो लड़की नहीं मिली है। क्या वो लड़की सचमुच यहीं की है? क्या मतलब है? वो कोई परी होगी, शायद हमने सिर्फ उसकी कल्पना की थी। बकवास मत करो, अब जाकर कम से कम चार्ल्स से वो कांच का जूता मांग लो। क्या वो जूता नहीं देगा? उससे कहना कि हम वो जूता हर लड़की को पहना कर देखेंगे। हाँ ये ठीक है। उम्मीद है हम उसे ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढना ही होगा एलेक्स, उसे ढूंढने तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हमें राजकुमार चार्ल्स ने भेजा है, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो शाही डांस में मौजूद थी। उसने चार्ल्स का दिल जीत लिया है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप ये जूता पहन कर देखें। ये जूता उस लड़की ने जल्दबाजी में महल में छोड़ दिया था। हम उस लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं मैडम।
करो बेटी। मुझे ऐसा नहीं लगता मैम। मत रो। अगर आपको ऐतराज ना हो मिस। ठीक है, लगभग आ रहा है। ये नहीं हो रहा मैडम। शायद वो सचमुच दूसरे राज्य से आई थी। अभी हम सभी घरों में नहीं गए हैं। अगला घर आखिरी वाला है हैंस। अगर वो यहाँ नहीं होगी तो हम राज्य के बाहर ढूंढेंगे। काश ये जूता बोल पाता। तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुम इस तरह खाती रही तो तुम्हारे सारे कपड़े तंग होंगे। कोई बात नहीं, राजकुमारी बनने पर मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी तो मैं बनूंगी, इसलिए तुम सिंड्रेला से ही ड्रेसेस ठीक कराना, अगर वो होश में रही तो। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने गौर किया, वो आजकल खोई खोई रहती है। शाही सवारी आ गई जीन। राजकुमार आ गया। मामा। जल्दी से कपड़े बदल लो बेटियों, शाही लोग तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। ठीक है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। अब कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। नहीं सिंड्रेला, तुम्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, और जब तक मैं न कहूँ नीचे मत आना किसी हालत में, समझी? जी मैम साहब। यानी जिस लड़की का पांव उस जूते में ठीक बैठेगा उसे राजकुमार चार्ल्स से मिलने बुलाया जाएगा। जी हाँ। ऐतराज न हो तो इसे पहन कर देखिए। पहनूंगी। मुझे पहले पहनना चाहिए। क्या तुमने देखा, तुमने ये जूता कितना छोटा है? तो ये तुम्हारे बाकी जूते से छोटा है, तुम्हें नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे पाँव और भी बड़े हैं जीन। ये सच नहीं है। जूता पहन लेने के बाद सच्चाई मालूम होगी। तो पहले मैं पहनूंगी। नहीं, पहले मैं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ? मैं अभी से कह रहा हूँ जूता दोनों को नहीं आएगा। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर आप में से एक ही इसे एक बार में पहन सकती हैं। हाँ, और पहले मैं ही पहनूंगी। नहीं, शाही सवारी को पहले मैंने देखा था कैथरीन। देखा तुमने, ये वही कांच का जूता है। सिंड्रेला को बुलाना चाहिए, वो अपने कमरे में बंद है। हम उसे नीचे आने को कहेंगे। ठीक है। मुझे खुशी है कि आप मेरा जूता ले आए। अच्छी बात है। सिर्फ उस जूते को पहनने पर ध्यान दो, समझी? कोशिश कर रही हूँ। मान ही जाओ, ये तुम्हें नहीं हो रहा। शायद जूता आपके पाँव में नहीं आता, आपकी बहन को कोशिश करने दो। आप मेरा ध्यान बटा रहे हैं, बस हो गया। लगभग हो गया। लो, हो गया। जूता आ गया। पता नहीं इन्हें पहनकर तुमने डांस कैसे किया होगा। ओह, मुझे अफसोस है कि तुम कामयाब नहीं हुई। सिंड्रेला, ये वक्त अपने कमरे में बैठे रहने का नहीं है, चलो। उन्होंने मुझे यही रहने के लिए कहा है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जीन और कैथरीन तुम्हारा जूता पहनकर देख रही हैं? कोई बात नहीं पैपी, मैं जानती हूँ ये मुझे जरूर आएगा। मुझे निराश मत करो। नहीं करूंगी मामा। तुम सपना देख रही हो जीन, सब जानते हैं ये तुम्हारा नहीं है। चुप रहो कैथरीन, कोशिश करती रहो जीन, और जोर लगाओ बेटी। कर तो रही हूँ। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रही हो। शायद अब बहुत हो गया।
इनको ये जूता नहीं बैठता मैडम, अब फिर भी शुक्रिया। रुकिए। कहिए। जरा मैं जूता पहन कर देख लूं। आप? मामा आप नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। काफी अच्छा मजाक था मैडम। वैसे आपकी एक और बेटी है ना डचेस, आपके पति की पहली शादी से? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है। लेकिन मेहमानों की सूची में लिखा है कि हमने इस पते पर 4 न्योते दिए थे। हमारे यहाँ एक लड़की है जो घर का सारा काम काज संभालती है। क्या आप उसे ये जूता पहनने को कह सकते हैं? इससे सिर्फ आपका वक्त जाया होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो डांस पर आई ही नहीं थी, और वो तो राजकुमार का दिल जीत ही नहीं सकती। वो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की है। मगर मुझे महल से यही हुक्म मिला है डचेस, इस राज्य की हर एक लड़की को जूता पहनकर देखना होगा, समझ गई आप? ठीक है, तो मैं उसे ले आती हूँ। मामा, क्या ये सब करना जरूरी है? वो उसका जूता हो ही नहीं सकता। मगर कैथरीन, इन्हें तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। क्या होगा अगर जूता उसी के साइज का निकला? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। हम साबित कर सकते हैं कि वो डांस में नहीं आई थी। न जाने वो इस जूते के पीछे क्यों पड़े हैं। तुम दोनों चुप रहो। क्या ये सच है कि आप पिछले शुक्रवार शाही डांस में नहीं आई थी मैडम? जी सर। ये सच है, वो लड़की असल में मैं नहीं थी। देखा आपने, मैं सच कह रही थी। अब तो विश्वास हो गया, इसलिए सिंड्रेला को जूता पहनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, पर राजकुमार चाहते हैं कि हर लड़की कोशिश करे। अपना जूता पहनो। मेरी बात का बुरा मत मानिए, मगर इससे आपका वक्त जाया होगा। मैं वहाँ नहीं आई थी। इसे पहनने के लिए मैं आपको किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकता मिस। मैं चलता हूँ, अलविदा। वो सिर्फ एक सपना था। मैं चार्ल्स के साथ फिर कभी डांस नहीं करूंगी। मैं बहुत निराश हो गई मामा। मेरे पाव आपकी तरह बड़े बड़े क्यों हैं? आपकी वजह से राजकुमार चार्ल्स हाथ से गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भी तुम्हारी तरह निराश हूँ। हमारी बदकिस्मती है। सिंड्रेला का आखिरी मौका भी गया। अगर मिस पॉलिट यहाँ होती तो सिंड्रेला जरूर वो जूता पहनती। शायद अब हमें ही अपना जादू चलाना पड़ेगा। कल हम राज्य के बाहर ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है। तुम मेरा जूता कहाँ ले जा रहे हो? बैच नहीं, बैच रुको, बैच वापस आओ। रोको टांगे को। अब तुम्हें क्या हो गया एलेक्स? क्या है तुम्हारे पास? हाँ, कांच का जूता। बिल्कुल इसके जैसा। वाह, अब ये जोड़ी पूरी हुई। मेहरबानी करके इसे पहनिए प्लीज मिस। ये फिर से उसके पीछे क्यों पड़ा है मामा? पता नहीं कैथरीन, वो मुझे नहीं बता रहा है। आपने देखा मामा? क्या? अब उसके पास 2 कांच के जूते हैं। प्लीज इन्हें पहनिए मिस सिंड्रेला। पहनो भी। तुम जानती हो वो सिर्फ जानता था दोस्त के लिए। सिंड्रेला, उन्हें बताओ कि वो लड़की तुम ही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिकनिक पर चलोगे? मैं तुम्हारी पसंद की चीजें लाई हूँ। मिस पॉलेट। अरे अरे, क्या बात है? Thank you.
क्या आप हमारे साथ महल में चलेंगी? राजकुमार इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जरूर। आपसे मिलकर खुशी हुई राजकुमारी। मेरी बेटी सिंड्रेला, वो ये थी।